नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है टॉप 10 खबरों का, तो आइए निगाह डाल लेते हैं इस वक्त की 10 बड़ी खबरों पे। लोकसभा चुनाव नतीजों से पहले हलचल तेज, राहुल गांधी कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे। सिक्किम में एसकेएम ने जीती 24 सीटें, 7 पर आगे। अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी 15 सीटों पर विजयी, 32 सीटों पर आगे। ग्रेटर नोएडा के एनटीपीसी पतारी रोड पर बने गोदाम में लगी भयंकर आग, बुझाने में जुटी दमकल की गाड़ियां। साइक्लोन हीटवेव समेत अलग अलग विषयों पर आज 7 बैठकें करेंगे पीएम मोदी। पश्चिम बंगाल के नादिया में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या, हाल में हुए थे पार्टी में शामिल। क्राइम ब्रांच ने पुणे पोर्श कांड मामले से संबंधित विभिन्न मामलों की जांच के लिए 12 टीमें गठित की। कर्नाटक में प्रज्वल रेवन्ना की मां को किया जा सकता है अरेस्ट, पूछताछ से बचने की कर रही है कोशिश। भोपाल में सीएम हाउस के पास तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी टक्कर, एक की मौत, एक घायल। दिल्ली शराब घोटाले मामले में आज तिहाड़ जेल में सरेंडर करेंगे सीएम अरविंद केजरीवाल। फिलहाल के लिए इन टॉप 10 खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।